नमस्कार दोस्तों, पाइप फिटर जंक्शन में एक बार फिर से सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि 2 इंच का एल्बो कैसे बनाएं, वही 1 कट में। हम एक कट में 90 डिग्री के एल्बो कैसे बनाएं आज हम आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा और सबसे आसान फार्मूला है, सबसे आसान फार्मूला है। और सबसे पहले हम 2 इंच का पाइप लेंगे। 2 इंच का पाइप में हम 4 सेंटर लाइन निकालेंगे, यानी आउट ऑफ डाई यानी CF को हम 4 भाग में बांटेंगे। 4 भाग में बांटने के बाद हम सीधा इस पर सेंटर निकालेंगे। चलिए हम सेंटर निकालते हैं। दोस्तों ये हमारा पाइप में सेंटर निकल चुका है। वीडियो लॉन्ग ना हो इसके लिए मैंने पहले से सेंटर निकाल दिया। और सेंटर निकालने के बाद हम बिना इसमें स्क्रैप निकले हुए 90 डिग्री के एल्बो बनाएंगे। अगर हम यहाँ कॉर्नर से अगर बनाते हैं तो हमारे 60 mm का स्क्रैप निकल जाएगा, इसलिए हम एक कट में ही घुमाकर निकालेंगे इसका, ऐसे ताकि स्क्रैप ना निकले और हमारा 90 डिग्री के एल्बो भी बन जाए। चलिए हम पहले सबसे पहले हमको जितना ज़रूरत है यानी जितना आपको ज़रूरत है उतना पर हम एक सर्कल फेस मारेंगे, ऐसे यहाँ पे ऐसे हम लाइन मारेंगे। लाइन मारने के बाद इसको हम कटबैक जो भी आएगा हम उसको डिवाइड करेंगे। ये नहीं देखना चाहिए दोस्तों। अभी हमारा ये जो बीच का जो मैं मार्क कर दिया हूँ, मार्क करने के बाद मैं एक चीज़ और बता दूँ। सबसे पहले हमको इस पाइप का OD जानना बहुत ज़रूरी है। इसका OD हो गया कितना, 60 mm इसका OD हो गया। और 60 mm का क्या है, हम जैसे जितना भी अगर इंच का पाइप का अगर बना रहे हैं आप एल्बो बना रहे हैं तो सबसे पहले उसका OD इम्पोर्टेंट है। OD को हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरा फुल OD मार देंगे। मार्क जैसे 60 mm है तो सीधा हम यहाँ से 60 mm मार देंगे। इसमें आपको दिखा दूँ मार्कर, ये देखिए 60 mm पर मैंने मार्क कर दिया, ये 60 mm हो गया राइट। और ये जो है आपका 60 mm का हाफ करेंगे, जैसे 30 mm हो गया, 30 mm, तो हम यहाँ पे 30 mm पर मार्किंग करेंगे। तो सबसे आसान तरीका है दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पूरा होने से पहले अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, आपको उस प्रकार का वीडियो मिल जाएगा। उस यहाँ मैंने 30 mm मार्क कर दिया, 30 mm पे। एक बात ध्यान रहे, ये 60 mm का है, 30 mm का, तो जो बाजू का जो होगा ये भी 30 mm का ही मार्किंग आएगा। जैसे ये 30 हो गया तो ये भी 30 का मार्किंग आएगा। तो इस पर भी मैं 30 mm का मार्क कर दे रहा हूँ, 30 mm का मार्क मैं कर दिया। 1, 2, 3 हो गया और ये जो है आपका ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा आपका राइट आंखों का। तो जैसे मैंने यहाँ पे 60 mm का मार्क किया और यहाँ हमारा हो गया 30 mm और ये भी हो जाएगा 30 mm और ये आपका 0 हो जाएगा। चलिए अब हम इसको कैसे हार्ड कट करते हैं। दोस्तों हम किसी हार्ड पेपर या स्केल से हम इसको इस तरह, इसको इससे मिलाना है और इसको इससे मिलाना है ठीक। चलिए हम इसको मिलाते हैं। तो यहाँ मिला लेना है बराबर, यहाँ पे और इस तरह से इसको ऐसे मिलाना है आपको, इस तरह से ऐसे मिलाना है आपको।
ये मिल गया यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब हम इसको जीरो पर लेकर आएंगे, इस मार्किंग को यहाँ लेकर आएंगे और इस मार्किंग को यहाँ लेकर आएंगे। ठीक, जैसे कि मैं बता दूँ, ऐसे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, जितना अच्छा से अगर स्टेप को पकड़ रहे हो मार्किंग पट्टी को, उतना ही अच्छा इसका कटबैक आएगा। ये हो गया, मार्क हो गया आपका ये। अब इसमें आपका स्क्रेप थोड़ा भी नहीं निकलेगा, आप इसको मिटा भी सकते हो, मिट जाएगा तो एक कट ए आपका एक पीस हो गया, एक पीस ए हो गया। और सीधा आप यहाँ से इसको ऐसे ऐसे कटिंग कर सकते हैं। हम कटिंग इसको करके दिखाते हैं आपको। दोस्तों हमारा ये पाइप कट के रेडी हो चुका है। दोस्तों ये हमारा पाइप कट के रेडी हो चुका है और हम इसको आप जो बता रहे हैं आप डिग्री कैसे चेक करेंगे, हो सकता है हमारा 90 डिग्री में ना हो। तो सबसे पहले हम इस अब हम इसको फिटअप करेंगे ऐसे। चेक कर सकते हैं, देखिए हमारा ये मार्किंग मिल गया, 30 mm का मार्किंग ये हो गया और 60 का मार्किंग यहाँ आ जाएगा आपका, जो मैंने आपको जीरो बताया जीरो अंदर में आ गया। ठीक, अब हम इसको राइट एंगल से 90 चेक कर सकते हैं इस टाइप से। ये देखिए हमारा एकदम परफेक्ट है 90। तो इस तरह से हम 90 का एल्बो वन कट में बना सकते हैं, जो मैं फार्मूला आपको बताया एकदम 100% राइट है। और ऐसा फार्मूला आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। दोस्तों अगर हमारे इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि ऐसा वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें।